माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का कुछ एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसके अलावा जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ से कई क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं, हार्मोन्स वगैरह के बारे में, कि हार्मोन्स जो है फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं और फाइटो हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स को कहाँ से डिस्कवर किया गया है, कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा क्या क्या नामकरण किया गया है। तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि रोधक है, यानी कि कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि उसमें से वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स कौन है, वृद्धि की प्रक्रिया को इनहिबिट करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो जैसे पहला देखिए, ऑक्सिन तो ऑक्सिन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि ऑक्सिन जो होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं और रूट एंड शूट एपेक्स की लंबाई को, इलांगेशन को इंक्रीज करता है, तो ये नहीं हो सकता है। जिबरेलिंस भी क्या है, वृद्धि को रेगुलेट करने वाला हार्मोन्स है, वृद्धि की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले हार्मोन्स है। इसको कहाँ से खोजा गया था, पैडी क्रॉप में देखा गया कि कुछ पौधे जो थे वो नॉर्मल पौधों से काफी लंबे थे, तो ऑब्जर्वेशन करने पर पता चला कि उस जो पौधे लंबे हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है, और फंगस क्या था, जिबरेला फ्यूजी कुराई, तो वहां से इसको डिस्कवर किया गया, ये भी वृद्धि को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, तो ये भी नहीं है। और इथाइलिन, ये जो इथाइलिन है यही क्या है, वृद्धि रोधक है, तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, इथाइलिन। इसके बाद में पूछा गया है वह हार्मोन्स जिसका पता पुलिस सीडलिंग नामक धान की बीमारी से लगा, यानी कि धान की फसल में उसको देखा गया और बाद में उसको जो है ऑब्जर्वेशन किया गया, फिर आइसोलेशन उसका किया गया। तो IAA, ये IAA क्या है, एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है जिसका नाम है इंडोलिस्टिक एसिड, ये एक प्रकार का क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। दूसरा क्या है, इथाइलिन भी नहीं खोजा गया था। और तीसरा क्या है, GA, तो GA का मतलब क्या हो जाएगा, जिबरेलिन ए, तो जिबरेलिन ए ही है जिसको पुलिस सेडलिंग नामक धान की बीमारी से खोजा गया था, काइनेटिन नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कम ताप से पुष्पन प्रभावित होता है, बहुत कम ताप से पुष्पन प्रभावित होता है, इस क्रिया को कहते हैं, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर होगा तो जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है वो प्रभावित होती है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बर्नेलाइजेशन क्या है, बसंतीकरण, हिंदी में से बसंतीकरण कहते हैं, ये नहीं है। और बसंतीकरण में क्या होता है कि कम तापमान पर हम पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। थर्मोट्रॉपी में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो ये थर्मोट्रॉपी नहीं है। क्रायोस्कोपी क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का एक प्रोसेस है। और फोटोपीरियोडिज्म यानी कि दीप्तकालिका इसे हिंदी में कहते हैं, तो ये ऑप्शन है, ये सही है, पुष्पन क्रिया प्रभावित होता है, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, उस आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा है ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए आवश्यक खनिज है, यानी ऑक्सिन के फॉर्मेशन के लिए जो आवश्यक खनिज है वो क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑक्सिन हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए आवश्यक खनिज क्या है। तो जैसा कि यहां पर देखिए बोरान है, तो बोरान की उपयोगिता नहीं है, कोई ऑक्सिन के संश्लेषण में बोरान की कोई उपयोगिता नहीं होती है,
सल्फर है तो सल्फर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऑक्सिन हार्मोन्स के लिए सल्फर की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। कैल्शियम है, कैल्शियम का भी कोई उपयोग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिंक है, इस जिंक का उपयोग किया जाता है, यानी प्लांट जो है वो, वैसे तो जिंक ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देखिए प्लांट के अंदर जो खनिज होते हैं, जो पोषक पदार्थ है, जो पोषक खनिज है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वैसे तो जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ऑक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए इसकी अहम भूमिका होती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, बायोआर। बायोआर मतलब क्या होता है, जैविक युद्ध, यानी जैविक माध्यमों से जब युद्ध किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं जैव रासायनिक या जैविक युद्ध कहा जाता है। तो बायोआर में प्रयोग होने वाला हार्मोन्स कौन सा है, बायोआर में प्रयोग होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, ABA एब्सेसिक एसिड, IBA और इंडोलिस्टिक एसिड IAA, और चौथा है 2,4-D। तो 2,4-D का उपयोग जो है ये बायोआर में किया गया है। अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ जब युद्ध किया था तो उसमें जो है 2,4-D हार्मोन्स को, वास्तव में है क्या, एक ऑक्सिन ही है, तो इसका उपयोग किया गया था बायोआर में। तो बायोआर में हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, जैविक लड़ाई लड़ी जाती है। अब इसके बाद में आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन्स एप्स, यानी ग्रोथ हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑलवेज एज ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, ऑलवेज आर ग्रोथ इनहिबिटर्स, तो इसमें बताया गया है कि मतलब ऑलवेज हमेशा ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और अगला है सम एज, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रमोटर का काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिटर का काम करते हैं, तो ये सही है, ये ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। एक चीज इसको ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, इसके अलावा साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रमोटर हार्मोन्स कहलाते हैं। और इनहिबिटर हार्मोन्स क्या है, तो जैसे एब्सेसिक एसिड और इथाइलिन, ये क्या है, ये इनहिबिट का काम करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली, यानी जो ऑक्सिन हार्मोन्स का मूवमेंट है लार्जली वो क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है एक्रोपिटल माइनर, बेसिपिटल, लेटरल और सेंट्रीपिटल। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका जो मूवमेंट होता है वो बेसिपिटल माइनर में होता है, इसका ऑक्सिन हार्मोन्स का, ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोकोनट मिल्क फैक्टर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कोकोनट मिल्क फैक्टर कहा जाता है, कोकोनट मिल्क फैक्टर। वास्तव में कोकोनट मिल्क क्या है, तो जो फ्लूइड होता है कच्चे नारियल के अंदर, जो पानी होता है, उसी को कहा गया है कोकोनट मिल्क। तो फैक्टर क्या है, तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सिन हार्मोन्स, तो ये तो आपको मालूम है कि एपेक्स पे ही पाया जाता है, रूट एंड शूट एपेक्स पे, ये नहीं हो सकता है। ये भी एब्सेसिक एसिड, ये भी नहीं है, और मॉर्फैक्टिन, तो ये नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका ये सही है, साइटोकाइनिन, या इसको आपको पढ़ाया गया है काइनेटिन भी कहते हैं, तो साइटोकाइनिन ही है जिसको हम क्या कहते हैं, कोकोनट मिल्क फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
इन जर्मिनेटिंग सीड एमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज आर स्टिमुलेटेड बाई, यानी कि जो सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस जर्मिनेटिंग के लिए कुछ एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो स्टिमुलेट किसके द्वारा होते हैं, जैसे एमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज ये किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, अल्फा एमाइलेज होता है मोस्टली, क्या होता है अल्फा एमाइलेज, तो ये किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है, तो जैसे कि देखिए ऑप्शन दिया गया ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स और इथाइलिन हार्मोन्स, तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, इसमें आपका हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन, ओके जिब्रेलिन हार्मोन्स। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यानी जो ये जोड़े दिए गए हैं तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं होता है, यानी उसका जो मैचिंग है वो सही नहीं है, तो जिससे पहला क्या है एंडोलिस्टिक एसिड, तो क्या करता है सेल वॉल इलांगेशन, ये करेक्ट है सही है, इसके अलावा एब्सेसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर, यानी एब्सेसिक एसिड क्या करता है स्टोमेटा को कि क्लोजिंग में सहायता करता है, ये भी सही है, जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल, कहा गया है जिब्रेलिक एसिड जो है वो लीफ फॉल में हेल्प करती है, तो ऐसा नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है सही है। ये मैच नहीं हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल में हेल्प नहीं करता है, तो ये क्या है करेक्ट है तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डोरमेंसी ऑफ सीड ब्रोकन बाई, यानी कि जो सीड बीज प्रसुप्ति होती है सीड डोरमेंसी, तो किसके द्वारा जो है ब्रोकन किया जाता है तोड़ा जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स है ये नहीं है, जिब्रेलिन हार्मोन्स के माध्यम से ही क्या होता है कि सीड डोरमेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जिब्रेलिन जो होते हैं ये क्या करते हैं अल्फा एमाइलेज के प्रोसेस को क्या करते हैं सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्हिच प्लांट इज एलडीपी, जैसा कि आपको क्लास में डिस्कस किया गया था एलडी एलडीपी और एसडीपी, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, तो व्हिच प्लांट इज एलडीपी, तो कौन सा है टोबैको ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन, जैंथियम और स्पाइनेज, स्पाइनेज तो ये क्या है करेक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से और भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये जो क्वेश्चन रहे यहाँ पे लिखे गए हैं ये सब एलएन के नोट से लिखे गए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी मानी जाने संस्था है, तो उसी के नोट से हम आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन करवाते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।